कोरोना महामारी को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया है और 21 दिनों तक लोगों से अपने अपने घरों से ना निकलने की अपील की है। वहीं लॉकडाउन जैसे बड़े कदम का दूसरा पहलू काफी चिंताजनक है, जिसकी वजह से रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों और उनके परिवारों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में गरीबों का सहारा बने हैं दमोह जिले के हटा के ये अधिकारी। हटा में SDM और SDOP की टीम इन गरीबों के लिए खाना लेकर उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्हें मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं ताकि वह सुरक्षित रहें। लोग इनके सराहनीय कार्य की सराहना भी जमकर कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में अधिकारी स्वयं गरीबों के लिए भोजन और मास्क का इंतजाम कर रहे हैं और उन्हें खाना खिला रहे हैं। अधिकारियों की गाड़ियों को देख यह भूख से बिलबिलाते गरीब बेसहारा मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इन अधिकारियों को देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है कि अब उनका पेट भर जाएगा। सब आए थे वाहन से, इसके बाद हमको फतेहपुर में वाहन जो था उसको जब्त कर लिया, इसके बाद हमको पैदल भगा दिया। सर कितने किलोमीटर से आ रहे हो? अभी तो हम फतेहपुर जितने किलोमीटर हो नहीं, कहाँ से आ रहे हो? हम तो फरीदाबाद से आ रहे हैं सर। कितने किलोमीटर? यहाँ से कम पड़ेगा तो 750 किलोमीटर पड़ेगा सर। अच्छा, वहीं से आ रहे हो? यस सर। कोई खाने पीने का इंतजाम? खाना पीने का यूपी सरकार दे रही थी सर। प्रशासन की ओर से यहाँ पर जितने भी बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं, खाना वितरण कर रहे हैं और जो भी कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के उपाय हैं उनको भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, किस प्रकार से हाथ धोना है और किस प्रकार से घरों में रहना है। और साथ ही साथ देशवासियों से भी मेरी यह अपील रहेगी कि कोरोना वायरस से संबंधित जो भी स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी निर्देश हैं, उसका पालन करें, अपने घरों में रहें, स्वच्छता बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और जो भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आह्वान किया उसका पूर्णता पालन करें। कोरोना वायरस के संक्रमण रोग के कारण लॉकडाउन किया है तो जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो मजदूर करने वाले हैं, ये लोग नहीं जा पा रहे हैं और जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं जो नहीं जा, मतलब उनका कोई साधन नहीं है खाने पीने का, तो उनको राहत के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, उनको बांटा गया है। टाटा क्षेत्र में कई जगह बांटा गया है, अनाथालय में भी बांटा गया है, एक अकराई में बांटा गया है खाना भोजन और यहाँ पर गांधी वार्ड में भी खाना भोजन बांटा गया है। इस तरह उन लोगों को राहत राशि दी जा रही है खाने की, भोजन की। SDM साहब, वो मैं और मेरे हसने उसने जो सोसाइटी के हैं, इनकी लोग के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से सब ये राहत भोजन दिया जा रहा है सभी के लिए ताकि वो लोग अपना खाना पीना खा सकें और अपने घर में रहें। दमोहटा से आकिब खान, सागर TV News।